क्लास वन आज हम देखेंगे लेट्स रिव्यू सेकंड। इस लेट्स रिव्यू सेकंड में हम ये देखेंगे कि जितना भी चैप्टर अभी तक हम पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, टिक द करेक्ट आंसर या स्टेटमेंट के फॉर्म में है, साथ ही वन वर्ड में भी है और कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो हम इसमें इन पिछले चैप्टर जो भी पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। वी मस्ट कॉम आवर हेयर टू कीप देम टिडी। हमें अपने हेयर को डेली कॉम करना चाहिए तो उससे वो क्या रहेंगे, टिडी रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, अच्छे रहेंगे। क्या भर देंगे यहाँ पे, टिडी रहेंगे। वी शुड नॉट ईट टू मच ऑफ फूड। हमें किस तरीके का खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हमें जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। वी शुड वेट फॉर द बस इन ए क्यू। हमें बस में, जब हम बस के लिए इंतजार करते हैं तो हमें किस तरीके से करना चाहिए, क्यू में करना चाहिए, यानी हमें बस में इंतजार लाइन लगा के करना चाहिए। बस पे चढ़ने के लिए हमें लाइन लगा के वेट करना चाहिए। वूलन क्लोथ्स आर मेड ऑफ, वूलन क्लोथ्स जो होते हैं उन्हीं कपड़ों से किसके बने रहते हैं, ऊल के बने रहते हैं। आवर होल बॉडी इज कवर्ड विथ, हमारी पूरी शरीर किससे ढकी रहती है, स्किन से ढकी रहती है, त्वचा से ढकी रहती है। तो इस तरीके से हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लिए। अब हम देखेंगे टिक द करेक्ट फॉर करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, 5 स्टेटमेंट दिया है, इसमें से जो सही होगा उसके सामने हम इस तरीके का मार्क लगाएंगे और जो स्टेटमेंट इसमें से गलत होगा उसमें इस तरीके का मार्क लगाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। वी फील सेफ इन आवर हाउस। हम अपने घर में सेफ महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाँ हम अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं, तो क्या लगा देंगे, हम इस पर टिक लगा देंगे। वी शुड ड्रिंक 2 glasses ऑफ मिल्क एवरी डे। हमें डेली कम से कम 2 glass दूध जरूर पीना चाहिए, यानी 2 glass दूध हमें ज़रूर पीना चाहिए। तो इसको अपने लेसन में पढ़े थे कि हमें 2 glass दूध जरूर पीना चाहिए, इसको क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। वी गेट कॉटन फ्रॉम सिप। कॉटन हमें सिप से मिलता है, नहीं, कॉटन हमें किससे मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है। तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम क्रॉस बना देंगे। वी गेट मिल्क एंड एग फ्रॉम प्लांट। हमें मिल्क और एग, हमें दूध और अंडा प्लांट से मिलता है, नहीं, हमें दूध और अंडा किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। यहाँ क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। पहले चैप्टर में पढ़े थे कि जितने भी लिविंग थिंग होते हैं ग्रो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब वन वर्ड देखते हैं, वन वर्ड आंसर। फूड इज कुक्ड इन दिस रूम। इस रूम में खाना बनाया जाता है, तो वह रूम कौन सा होता है, वह रूम किचन होता है। ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप ऑन द रोड। काले और सफ़ेद रंग की जो इस रोड पे पट्टियाँ पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। बॉडी पार्ट वी यूज टू रन स्किप एंड वॉक। कौन से शरीर का इस्तेमाल हम दौड़ने के लिए, कूदने के लिए और चलने के लिए करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, लेग का इस्तेमाल करते हैं। फूड डैट वी ईट ए फिक्स टाइम एवरी डे। वह खाना जो हम प्रतिदिन एक समय पे खाते हैं, जैसे रात का खाना रात के समय खाएंगे, दिन का खाना दिन में खाते हैं, दोपहर में हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तो इन सभी खानों को क्या कहते हैं, मील कहते हैं। जो खाना हम फिक्स समय पे खाते हैं उसे मील कहते हैं। अ कम्प्लीट फूड, कम्प्लीट फूड क्या होता है, मिल्क। मिल्क क्या होता है, वह कम्प्लीट फूड होता है। तो इस तरीके से हम वन वर्ड देख लिए, अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू वी यूज आवर हैंड फॉर। हम अपने हाथों का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। वी यूज़ आवर हैंड फॉर ईट राइट एंड होल्ड थिंग। हम अपने हाथों का इस्तेमाल खाने के लिए, लिखने के लिए और कुछ चीज़ों को पकड़ने के लिए करते हैं, यानी किसी चीज़ को पकड़ने के लिए हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं, खाना खाने के लिए और लिखने के लिए करते हैं। वाई शुड देयर बी एनफ विंडो एंड डोर्स इन हाउस। क्यों हमारे घर में या किसी भी घर में पर्याप्त मात्रा में दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए। देयर शुड बी एनफ विंडो एंड डोर्स इन हाउस टू अलाउ फ्रेश एयर एंड सनलाइट। तो क्योंकि पर्याप्त मात्रा में अगर दरवाजे खिड़कियां रहेंगी तो उस खिड़की से क्या होगी कि पर्याप्त मात्रा में फ्रेश हवा आएगी और सनलाइट आएगा। सनलाइट और फ्रेश हवा आने के लिए पर्याप्त मात्रा में दरवाजे और खिड़कियों का होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वेयर डू वी गेट आवर फूड फ्रॉम। हमें अपना खाना किससे मिलता है, हमें अपना खाना प्लांट्स और एनिमल दोनों से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर। हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, हमें साफ सुथरे और अच्छे से प्रेस किए हुए कपड़े पहनने चाहिए। व्हाट डू वी यूज When it rain, जब बारिश होती है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जब बारिश होती है तो हम अम्ब्रेला और रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है What do we use when it rains? जब बारिश होती है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो जब बारिश होती है तो हम अम्ब्रेला और रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आज हम लेट्स रिव्यू देखें, तो इसको पढ़िएगा, इसके क्वेश्चन आंसर को याद करिएगा और इस तरीके से हम अपने पिछले चैप्टर को रिवाइज़ भी कर लिए। तो थैंक यू।